माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप इसके बाद 2022-2023 के बजट हमें इसके बाद होने को इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया। गोबर नहीं हुआ, सीरियल में हुआ। मान्यवर, मैं माननीय समाज जी देख रहा हूँ, पूर्वांचल के जिस विधानसभा क्षेत्र मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, ये क्षेत्र बुनकरों का बहुल क्षेत्र है और हमारे क्षेत्र में शहर में और गांव में बुनकरों की भारी मात्रा है, जिसकी वजह से हमारी ज्यादातर लोगों की जो जरूरतें हैं उन बिजली के चीजों पर निर्भर रहती है। मगर पिछले कुछ समय से जिस तरीके से बिजली में कटौती हो रही है और बिजली की पावर कट होने की वजह से जो पावर रूम है वो सही से काम नहीं कर पाते हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है गरीब बुनकरों को। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को ये रखना चाहता हूं कि जिस तरीके से किसान अनाज पैदा करके अपना गरीबों का पेट पालता है, उसी तरीके से बुनकर एक धागे से कपड़ा बुन करके हमारा तन ढकने का काम करता है। वर्ष 2006 में तत्कालीन समाजवादी सरकार ने पावर लूम बुनकर को भी किसान की तरह फ्लैट रेट की बिजली आपूर्ति करने का इंतजाम किया था। माननीय वर्तमान सरकार ने डेट 4 दिसंबर 2019 को नया शासनादेश जारी कर फ्लैट रेट की बिजली की व्यवस्था खत्म कर सब्सिडी की व्यवस्था लागू कर दिया था। माननीय दुख की बात यह है कि इतने बड़े बजट में कहीं भी बुनकरों का जिक्र नहीं और बुनकरों की सबसे बड़ी परेशानी जो आज उनके ऊपर कर्ज की बढ़ता चला जा रहा है उसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। माननीय मैं आपके माध्यम से उम्मीद करता हूं कि इस विशाल बजट में बुनकरों को के साथ सौतेला व्यवहार ना किया जाए और उनको हिस्सा दिया जाए ताकि वो अपना जीवन बेहतर कर सके। मान्यवर, इसी के साथ मैं अपने क्षेत्र की और भी समस्याओं को पटल पर रखना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में कई सड़कें ऐसी हैं जो जर्जर हालत में हैं, उन सड़कों का निर्माण कराना बहुत जरूरी है। एक्सप्रेसवे मऊ सदर विधानसभा के होते हुए जाता है मगर मऊ सदर विधानसभा में कोई भी ट्रॉमा सेंटर का कोई इंतजाम नहीं है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि वहां एक ट्रॉमा सेंटर का भी इंतजाम कराया जाए। मऊ जिला एक बहुत छोटा सा जिला है मगर युवाओं की बहुत ज्यादा संख्या है वहां पर। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि वहां पर एक यूनिवर्सिटी की भी तामीर कराई जाए ताकि वहां के बच्चों को अन्य जिलों में जाकर के अपनी पढ़ाई करने के लिए जो करना पड़ता है वो ना करना पड़े। धन्यवाद कटारिया साहब कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। ब्रिजेश कटारिया, करोड़ों करोड़ दलित, पिछड़े, वंचित और मजलूमों को उनका हक और हुकूमत में हिस्सेदारी दिलाने वाले परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के शीर्ष चरणों को नमन करता हूं।